हिरनिया और अतिया सब क्या करती हैं? बाबू पिएगा डिब्बा के दूध समझ रहा है, बाबू का चीज का दूध पिएगा डिब्बा का दूध, तो डिब्बे में हो जाएगा, डिब्बा का दूध पिएगा तो डिब्बा हो जाएगा। और उसको अगर माँ का आहार माँ का दूध उसे मिला है तो बच्चा बाबू पहलवान ना बनेगा, दिमाग का तेज बनेगा, कोई बीमारी उसे जकड़ नहीं पाएगा। अब बच्चा जब डिब्बा का दूध पिएगा तो डिब्बे की तरह ढिमलाइल रहेगा, तनकी सक बिहार जोर से बह जाएगा तो उधी आ जाएगा, तनकी सक जोर से सियार कुत्ता बाहर चिल्ला दिया तो हार्ट अटैक बैठ जाएगा। मतलब उम्र जो कम होने की प्रक्रियाएं है, तरह तरह की बीमारी हमारे अंदर घुस रही है, तो समझ लेना कि बच्चे ने माँ का दूध बहुत कम पिया है। तो माँ का दूध कम से कम 6 महीना, अधिक से अधिक अगर 2 साल तक पिला रहे तो बहुत अच्छा चीज है। लेकिन 6 महीना बाद बच्चे को माँ के दूध के अतिरिक्त कुछ अन्य आहार भी हल्का दिया जाता है। अब ऐसे ना कि भर थरिया दू गो ले किस रोज रोज खिलाने शुरू कर रहा है कि 6 महीना बाबू रे तेरा दांत अब जलने वाला है, ले आप घी से ले पीस, तो बाबू का तो भी कुपोषणित होगा, हाथ गोर सुटकी आ पेट न दकोल्ला समझे, तो इसीलिए ज्यादा अनाज भी नहीं खिलाने का, बच्चे को जरा लिमिट में खिलाने का। तो बच्चे का पालन पोषण कुल मिलाकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, माँ की होती है कि पिता की होती है? अगर बच्चा रात में रोने लगे तो पिता दूजा पर देकर सुता देगा, सब डिस्टर्ब करता है, लेकिन क्या हुआ, अच्छा अच्छा बाबू रोटी खाएगा दूध ना, हम चौथा खाएगा, तो उसी समय माँ बना के चौथा बना के देगी उसे, लेकिन पिता के सामने बोलेगा कि हम रोटी खाएंगे, एक खपी देंगे ना रोटी खाएगा, चल चुपचाप सुत सवेरे खाइए, है कि नहीं। तो माँ माँ होती है, बच्चे को बिना माँ के नहीं पाला जा सकता है, बिन माँ के बच्चे नहीं पाले जा सकते, कब अच्छा जब बच्चे अवोध रहे, तो ये दुनिया की जननी ऐसे ही माँ थोड़े कहलाती है, ये दुनिया में हर चीज बनना संभव है, औरत बनना कहाँ संभव है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, रेस्पेक्ट फीमेल, औरतों का सम्मान करना सीखिए, औरत है तो सृष्टि है, औरत नहीं तो सृष्टि नहीं है, औरत के बिना ये सृष्टि है ये नहीं है, समझ लो कि हम लोग डिब्बा है, हम लोग कौन है, डिब्बा है। एक हम कहीं पे देखे थे कि औरतों को ये है, औरतों को पढ़ाइए, औरतों को ये कीजिए वो कीजिए, अरे मर्दों के लिए 2 लाइन भी तो लेके क्या, अरे झंडू बम है तुम लोग, मुंह मारते फिर तो कभी हिया तो कभी हुआ, है कि नहीं, सच्चाई है वही बोलते हैं हमने क्या बोला कि हमें सही ज्ञान देना आपका जिम्मेवारी है, अब आप उसका मिसयूज कर रहे हो आपकी प्रॉब्लम है कि नहीं है।